संजू सैमसन के क्यों है जीरो हेटर्स, क्यों संजू सैमसन को सब प्यार करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी टीम इंडिया में उन्हें वो जगह नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। संजू सैमसन के जीरो हिटर्स हैं, उनको लोग काफी ज्यादा प्यार करते हैं, उनके खेलने के तरीके को पसंद करते हैं, लेकिन आखिर वो क्या रीजन है जिसकी वजह से संजू सैमसन को लोग इतना ज्यादा प्यार करते हैं, उनसे नफरत चाह कर भी वो कर नहीं पाते हैं। लेकिन कई रीजन ऐसे भी रहे हैं जिसमें आपको मैं बता दूं कि जिसके वजह से लोग संजू सैमसन से तो नहीं लेकिन BCCI से जरूर हेट करते हैं। कि आखिर क्या वो रीजन है कि संजू सैमसन को टीम इंडिया में नहीं लिया जाता, जब टीम इंडिया में केएल राहुल जैसे प्लेयर्स को लंबे समय तक BCCI ढो लेता है, जो एक टाइम पर काफी ज्यादा अनसक्सेसफुल रहे हैं। कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको वो ढो लेता है BCCI, तो संजू सैमसन जैसे ग्रेट प्लेयर को आके टीम इंडिया में जगह क्यों नहीं मिलती है। तो चलिए सबसे पहले आपको रीजन बताते हैं कि लोग क्यों संजू सैमसन को सबसे ज्यादा करते हैं। संजू सैमसन ने कभी भी कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोली है आके, उनको कभी भी चाहे टीम इंडिया में कुछ जगह मिली हो या फिर ना मिली हो, इनके खेलने को लेकर ये कई बार लोग काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं कि संजू को जगह नहीं मिल रही है, लेकिन संजू की तरफ से कभी भी कोई भी नेगेटिव बात आपने सुनने को नहीं मिली होगी, जो चीज उनको एक ग्रेट प्लेयर बनाती है। नंबर टू, जिस वो थ्योरी पे बिलीव करते हैं वो थ्योरी ये है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने ज्यादा रन बनाते, ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी टीम को जिस वक्त जरूरत है उस वक्त आप अपना कैसा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं रनों को, और इसके साथ ही आप किस तरीके से अपनी टीम में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस थ्योरी पर संजू सैमसन चलते हैं, कंट्रीब्यूशन पर, रनों के कंट्रीब्यूशन पर, जिसको चलकर उनको काफी ज्यादा प्यार किया जाता है। नंबर थ्री पर जिस चीज को लेकर उनकी सबसे ज्यादा लोगों को प्यार किया जाता, लोग उनको प्यार करते हैं, वो है उनकी कैप्टनसी। कहा जाता है कि संजू सैमसन की कैप्टनसी कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी, जो एक ग्रेट प्लेयर है, पूर्व कप्तान रह चुके हैं, IPL अभी भी खेल रहे हैं, टीम इंडिया को तीनों फॉर्मेट में वर्ल्ड कप जिताने वाले एक लौते कप्तान रहे हैं, उनसे काफी ज्यादा मेल खाती है संजू सैमसन की जो है कैप्टनसी है। वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, कामनेस के साथ अपने उनका जो चेहरा है वो दिखता है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनको लेकर कहा जाता है कि संजू सैमसन काफी एक अच्छे और ग्रेट प्लेयर है। इसी के साथ संजू सैमसन के जो आंसर करने का जो स्टाइल है, उनसे पूछा भी जाता है कि उनको IPL में इतना बढ़िया खेलने के बावजूद भी उनको जिस जो जगह मिलनी चाहिए वो जगह नहीं मिलती है, तो इस पर संजू सैमसन का कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करते हैं, फल ऊपर वाले के हाथ में है, कि ऊपर वाला उनको कितनी कैसे नवाजता है, किन चीज़ों से नवाजता है, वो सब ऊपर वाले के हाथ में, वो सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो संजू सैमसन चाहते भी तो नेगेटिव बोल सकते थे, पर उन्होंने कभी नेगेटिव नहीं बोली। जिस तरीके से सरफराज अहमद, मैं यहाँ पर किसी प्लेयर का कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, लेकिन सरफराज अहमद के कुछ आप अगर स्टेटमेंट उठाकर देखेंगे, जिसके बाद से BCCI उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गया, काफ़ी ज़्यादा उनको BCCI ने काफ़ी ज़्यादा जो प्लेयर है, जो बड़े प्लेयर भी हैं, उन्होंने भी सरफराज से कहते हैं कि पूरे तरीके से रिश्ता, पूरा कॉन्टैक्ट जो है वो तोड़ दिया है। तो मैं यहाँ पे किसी प्लेयर का कंपैरिजन नहीं करी, लेकिन अगर देखा जाए कि उसी यंग जनरेशन के संजू सैमसन में है, तो उनके जो पेशेंस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, और इसी के साथ वो कभी भी नेगेटिव ना अपनी टीम के लिए, ना किसी BCCI के लिए, ना चयनकर्ता के लिए वो बोलते हुए नजर आते हैं। वो जो भी सिचुएशन होती है उसको हंसकर एक्सेप्ट करते, और अगर कोई भी BCCI चयनकर्ताओं को चोर करता है तो संजू सैमसन अब BCCI या फिर चयनकर्ता के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। तो आप संजू सैमसन की सिंपलिसिटी को लेकर क्या सोचते हो, और आपको क्या लगता है कि संजू को जगह टीम इंडिया में मिलनी चाहिए या फिर नहीं, वो इतने कैपेबल हो गए हैं या फिर नहीं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और भी वीडियोज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।